जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में। आज है 24 दिसंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेली के करंट अफेयर जो कि आने वाले आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा आने वाला एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के लिए, हमारे डेली के करंट अफेयर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेगी 100% श्योर सक्सेस, आपके लिए रहेगा 1 साल के लिए और कवर करवाएगा आपके आने वाले सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामों को। सो आप अपनी तैयारी इसमें बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्पेशल नोट्स और बुक्स। सो जल्दी से जल्दी आप अपना श्योर बैच स्टार्ट कर सकते हैं विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पूरे भारतवर्ष में या फिर पूरे विश्व में मनाया जाता है 20 दिसंबर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और डे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है, एसके सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो एसके सिंघल को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। अगर मैं हिमाचल की बात करता हूँ तो हिमाचल के जो डीजीपी हैं उनका नाम है संजय कुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो विरासत की जो सूची एक इंडेक्स निकल के आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहती है और अभी हाल ही में हॉकर संस्कृति की सूची में जो है सिंगापुर की संस्कृति को शामिल किया गया है, तो ये विरासत की सूची में शामिल हुई है। तो सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन है, किस राज्य ने ईसाइयों का 20,000 से बढ़ाकर 37,000 अनुदान कर दिया है? तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने ईसाइयों के ऊपर 20,000 से बढ़ाकर 37,000 अनुदान किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है, किसे AWS CHAM एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से नवाजा गया है? सो हाल ही में SHOCHAM एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से जो है वो रतन टाटा को नवाजा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कोरोना के काल में भी इनके द्वारा काफी सारा फंड जो है वो भारत के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उत्कृष्णा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के सबसे पहले उत्कृष्णा केंद्र का उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम में। आपको बताना है कि गुरुग्राम जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके हर किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जो आने वाला आपका एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी या फिर हिमाचल के एग्जामों की बात करते हैं, एसएससी क्लरिकल के जितने एग्जाम होने हैं उसमें भी स्कीमों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो गुजरात ने जो है हाल ही में दीनदयाल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट वन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा होगा? तो इंडिया में जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 होना है उसका उद्घाटन किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th, COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक जो एक बुक है ये लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी द्वारा। काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में इनकी कोई नई बुक्स के बारे में भी कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, डेव व्हाइटमोर को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ये बनाया गया है नेपाल की क्रिकेट टीम का। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल की पीडीएफ्स और साथ में डेली के करंट अफेयर की पीडीएफ्स और साथ में आपको मिलेंगे डेली के डेली जॉब अलर्ट्स। आप हमारा CHSL और MTS का श्योर बैच स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा HP पुलिस का एडवांस बैच भी स्टार्ट हो चुका है जो कि आपके लिए रहेगा मिशन 2021। सो जल्दी से जल्दी आप अपना बैच स्टार्ट कर सकते हैं विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। सो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।